सो हे गाइज, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि गाइज आप लोग ग्रैपलाइन लेवल को आसानी से इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैं हर एक लेवल को खोल चुका हूँ और यहाँ पे बस मेरा यहाँ पे 43,349 हो चुका और यहाँ पे 44,260 में। उसके बाद गाइज यहाँ पे ये इमोट मुझे बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। एंड यहाँ पे मैं आपको वो ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले गाइज, अगर आप लोग कोई सा भी मैप खेलोगे नहीं तो आपको ये EXP ज़्यादा नहीं मिलेगा ग्रैपलाइन वाला। ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 एक मैच में मिलता है, लेकिन जो मैं आपको ट्रिक बताऊँगा बस गाइज सिर्फ एक मिनट से भी कम देना पड़ेगा, में आपको 100 EXP बिल्कुल फ्री में मिलेगा हर एक गेम में। जिससे कि यहाँ पे देख लो, मैं उसी मोड के अंदर यहाँ पे खेला हूँ और ये जो देखने को मिल रहा है मेरा क्रैपलाइन वाला लेवल अप हो चुका। और बस यहाँ पे इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। देख लो यहाँ पे 43,349 है, मैं वो वाला मैप लगाता हूँ और उस मैप का मैप कोड आप सबको, वो जो मैप है उसका मैप कोड भी आप सबको दूंगा, टेंशन मत लेना। सबसे पहले कि देख लो गाइस, यहाँ पे मैंने मैप को स्टार्ट कर दिया और मैप को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे बस एक मिनट से भी कम रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकंड तक लगती है इस वाले मैप के अंदर। और बिल्कुल फ्री में लाइक भी बढ़ता है एंड साथ ही दोस्तों 100 EXP भी बढ़ेगा। यहाँ पे देख लो मैंने मैप को स्टार्ट कर दिया और मैप को स्टार्ट करने के बाद देख लो यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। और एलिमिनेट होने के बाद हम लोगों को लाइक भी चाहते हो तो लाइक यहाँ से सब लोग कर देना और इस वाले मैप के अंदर से लाइक भी इंक्रीज कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे EXP भी मिलेगी। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लो यहाँ पे मैं लाइक कर दिया और वो लोग भी यहाँ पे लाइक कर रहा है। तो देख लो यहाँ पे आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हो, सब लोग लाइक भी कर रहे हैं तो लाइक भी बढ़ेगा। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे बाइक किया और बाइक करने के बाद यहाँ पे देख लो बस एक मिनट भी नहीं लगा और मुझे 100 EXP बढ़ चुका है। यहाँ पे मैं आपको क्रैपलैंड में जाके दिखाता हूँ क्रैपलैंड का जो लेवल EXP है वो यहाँ पे बढ़ाना या फिर नहीं। देख लो यहाँ पे अभी 43,349 था और 43,349 है। यहाँ पे 100 जो EXP मिला था मुझे वो यहाँ पे रिफ्रेश होके अभी अच्छे से ऐड नहीं हुआ। चलो यहाँ पे मैं एक और मैप लगा के दिखाता हूँ और देखता हूँ फिर से मुझे दोबारा मिलता है या फिर तो नहीं। तो चलो यहाँ पे मैंने एक और ही मैच स्टार्ट कर लिया और मैच स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से हम लोग को यहाँ तक ये इस मैप को ख़त्म होने में थोड़ा वेट करना है, जिससे कि हमारा लाइक भी बढ़ेगा और लाइक के साथ साथ EXP। तो भाई ये जो मैप है वो काफ़ी ज़्यादा कम माल का है, एक गोली में 2 शिकार करता है। यानी कि दोस्तों मैं यहाँ पे एक काम करने आया था लेकिन 2 काम मेरा हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा मस्त है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग इस वाले मैप के अंदर खेलते हो तो एक दिन में आप लोग 4 से 5 हज़ार लाइक तो आसानी से बढ़ा ही सकते हो। तो यहाँ पे देख लो मैप ख़त्म हो चुका है, सबको मैं लाइक कर देता हूँ और वो लोग भी देख लो यहाँ पे लाइक कर रहा है मुझे। लाइक करने के बाद सिंपली आप लोग बैक आ जाना और बैक आने के बाद यहाँ पे आपका जो EXP है फिर से 100 बढ़ चुका है। देख लो यहाँ पे अब मैं आप सबको जाके दिखाता हूँ, 43,349 था। यहाँ पे मैं क्रैपलैंड में जाता हूँ और होम में जाता हूँ। यहाँ पे देख लो इसका जो EXP है वो यहाँ पे 2 मैच खेला था, 200 मेरा बढ़ चुका है। इस तरह से गाइज आप लोग एक दिन में यहाँ पे चाहो तो इस सारे लेवल को अनलॉक कर सकते हो और आप लोग ये वाला इमोट जीत सकते हो। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपके पास ये वाला मैप होना जरूरी है। यदि आप लोग इस मैप में खेलोगे तभी आपका 100 EXP बढ़ेगा और आप एक दिन में ही वो वाला इमोट भी ले सकते हो। तो चलो मैं आपको बताता हूँ इस मैप कोड को आपको कैसा कॉपी, अगर आप इस इमोट को लेना चाहते हो तो जो मैं जैसे मैं मैप कोड को कॉपी कर रहा हूँ आप लोग वैसे करना आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले गाइज आप जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चले जाना, इस तरह से आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोग लिंक पे क्लिक करना, यहाँ पे देख लो मैंने भी लिंक पे क्लिक कर दिया है। तो आप लोग को भी इस तरह से करना है, जो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ आप लोग उसे फॉलो करने आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आपको फिर से लिंक मिल जाएगा, तो सिंपली आप लोग लिंक पे क्लिक करना और लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से टाइमर देखने को मिल जाएगा 15 सेकेंड का। तो देख लो यहाँ पे 15 सेकेंड का टाइमर चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को 15 सेकेंड तक वेट करना है। अब देख लो गाइज यहाँ पे ये जो देखने को मतलब 8 आ गया, 8 आने के बाद हमारा जो टाइमर है वो पता ही नहीं चल रहा है। तो सिंपली यहाँ पे ऊपर में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल जैसे करोगे तो यहाँ पे आपका टाइमर दिख जाएगा। तो सिंपली आप लोग को वेट कर लेना, आपको ना ही 8 को कट करना है, चाहो तो कट भी कर सकते हो या फिर तो वैसे ही रहने देना। और जैसे यहाँ पे 15 सेकेंड का टाइम खत्म हो जाता है तो यहाँ पे आपको वेरीफाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आप लोग को वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो देख लो यहाँ पे मैंने सिंपली 15 सेकंड तक वेट कर लिया और वेट करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आ चुका, तो वेरीफाई पे क्लिक कर दिया हूँ। आप लोग भी वैसा ही करना, उसके बाद आप लोग को नीचे की ओर आना है। नीचे में आने के बाद आपको नीचे में देखने को मिल जाएगा कंटिन्यू का ऑप्शन किधर का, हाँ देख लो यहाँ पे मिल रहा है कंटिन्यू का ऑप्शन। इस तरह से आपको देख लो स्टेप 1 ऑफ 3, यानी कि एक बार कर दिया है आपको 3 बार करना है। तो आप लोग को 3 बार करना है, तो चलो यहाँ पे मैं 1 बार कर चुका हूँ और 1 बार करने के बाद देख लो 8 आया है, तो 8 को सिंपली कट कर दियो। बहुत ही इजी ट्रिक है भाई। यहाँ पे सेकेंड बार वाला जो टाइमर है वो स्टार्ट हो चुका है, तो चलो यहाँ पे मैं 15 सेकंड तक फिर से वेट कर लेता हूँ।
फिर से देख लो टाइमर झप गया है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। ऊपर करने के बाद देख लो हमारा टाइमर दिख रहा है, तो 8 को रहने देता हूँ वैसे ही, और टाइमर को फिर से मैं 15 सेकेंड तक वेट कर लेता हूँ। तो सिंपली मैंने फिर से 15 सेकेंड का वेट कर लिया और फिर से वेरीफाई आ चुका है। और वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट बार की तरह यहाँ पे सेकेंड बार भी करना है। तो चलो मैं नीचे की ओर जाके कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, आप लोग को भी वैसे करना है। बस दो बार हो चुका है, एक बार और 15 सेकेंड तक वेट करना है। तो सिंपली यहाँ पे फिर से 15 सेकेंड का जो टाइमर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो चलो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये देख लो टाइम, तो 15 सेकेंड फिर से वेट कर लेता हूँ, बस लास्ट बार है। तो बस गई यहाँ पे देख लो 15 सेकेंड हो चुका और वेरीफाई का ऑप्शन आ चुका है। तो सिंपली यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, और वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद हर बार की तरह नीचे में जाके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देख लो यहाँ पे मैं 8 को कट भी नहीं किया हूँ, वैसे ही रहने देता हूँ। देख लो कंटिन्यू का ऑप्शन मिल चुका है, तो कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ, आप लोग भी कंटिन्यू पे क्लिक करना। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको गेट लिंक का ऑप्शन आएगा, तो गेट लिंक पे क्लिक करना है। देख लो आ चुका है, तो गेट लिंक पे क्लिक करके आपको वो मैप कोड को कॉपी करना है। देख लो यहाँ पे मैं गेम के अंदर आ चुका हूँ, सॉरी यार यहाँ पे वेबसाइट पे आ चुका हूँ, और वेबसाइट पे यहाँ पे मैप कोड देखने को मिल रहा है नीचे में, एड आया। तो सिंपली इसको यहाँ पे कैंसिल करना है, डाउनलोड नहीं करना है। एक दिन में चाहो तो भाई आप लोग इस इमोट को आसानी से ले सकते हो, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो सिंपली आपको ये मैप कोड देखने को मिल जाएगा, तो मैप कोड को कॉपी करना है। तो चलो यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ, भाई यहाँ पे मैप कोड को यहाँ पे ब्लर कर देता हूँ ताकि आप लोग को यहाँ पे आना पड़े, और यहाँ पे नहीं आओगे तो भाई आप लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, मैप कोड को गलत भी लिख सकते हो, इसलिए आप लोग यहाँ पे आके ही कॉपी करना। यहाँ पे मैं मैप कोड को ब्लर कर दिया हूं। तो सिंपली यहाँ पे देख लो मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद सिंपली मैं गेम को ओपन करता हूँ। तो सिंपली गेम ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे क्रैफलैंड पे चला जाना है। तो देख लो यहाँ पे कोने में क्रैफलैंड का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर पे कैटेगरीज पे आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो मैप कोड आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो देख लो यहाँ पे मैं मैप कोड को डाल दिया हूँ, और डालने के बाद यहाँ पे ओके करनी है, और सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वो मैप देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोग इस वाले मैप को यहाँ पे स्टार लगा लेना, यानी कि इस मैप को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग स्टार्ट पे क्लिक करना, और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे आप लोग गेम से बाहर आओगे तो आपको प्रत्येक मैच में 100 EXP मिल जाएगी।